नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। संपत्ति के विवाद में मारपीट, गोवा में धरा गया ठग सुदत्त रामटेके। 2819 आरटी सीटें अभी भी खाली। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। संपत्ति के विवाद में मारपीट। संपत्ति के विवाद में पति पत्नी ने अपने दामाद के साथ मारपीट की। पुलिस ने खरबी लेआउट निवासी मुंशी रामगुलाम दुबे की शिकायत पर अजनी पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपियों में वसंत नगर और बाबुलखेड़ा निवासी मनोज सीताराम मिश्रा और उनकी पत्नी सुनीता का समावेश है। दुबे की पत्नी अपने भाई मनोज के घर पर गई थी। सोमवार की शाम दुबे अपनी पत्नी को लेने मनोज के घर पहुंचे। मनोज और उसकी पत्नी दुबे पर आरोप लगाया कि वे अपनी पत्नी को संपत्ति में हिस्सा मांगने के लिए भड़का रहे हैं। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। पति पत्नी ने लोहे की रॉड से हमला कर दुबे को जख्मी कर दिया। अजनी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच आरंभ की है। तो वही दूसरी ओर गोवा में धरा गया ठग सुदत्त रामटेके। ई गेम एशिया कंपनी में पैसा निवेश कर मोटा मुनाफा कमाने की लालच देकर दो दर्जन लोगों के साथ धोखाधड़ी कर फरार हुए कंपनी के संचालक लक्ष्मीनगर निवासी सुदत्त प्रमोद रामटेके को ईओडब्ल्यू ने गोवा से गिरफ्तार कर लिया। इस कंपनी के पार्टनर लोकेश जनार्दन वाघमारे की तलाश पुलिस कर रही है। आरोपियों ने ई गेम एशिया नामक कंपनी से मिलती जुलती वेबसाइट बनाकर लोगों से पैसा निवेश करवाया। डॉक्टर सपना पंकज पाटिल की शिकायत पर आरोपी सुदत्त और लोकेश के खिलाफ अप्रैल महीने में धंतोली थाने में मामला दर्ज किया था। एफआईआर होने की जानकारी मिलते ही आरोपी फरार हो गए। पुलिस को जानकारी मिली कि सुदत्त पिछले कुछ समय से गोवा में रह रहा है। तो वही तीसरी और 2819 आरटीई सीटें अभी भी खाली। जिले के प्राइवेट स्कूलों में आरटीआई के तहत होने वाली प्रवेश प्रक्रियाओं की तारीख को आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। कारण है कि अब तक केवल 50% आवेदन का ही सत्यापन किया गया। वहीं पालकों को जानकारी नहीं होने के कारण भी यह समस्या आ रही है, जिससे वे स्कूल तक एडमिशन लेने के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिले में आरटीई के तहत प्राइवेट स्कूलों में काफी सीटें अब तक नहीं भर पाई है। बताया जा रहा है कि जिले के विभिन्न प्राइवेट स्कूलों में आरटीई की 5611 सीटों में से अब तक 2792 एडमिशन हुए हैं, लेकिन 2819 सीटें आज भी रिक्त है। ऐसे में पालक मांग कर रहे हैं कि प्रवेश की तारीख को और आगे बढ़ाया जाए। अभी आरटीए के तहत प्रवेश की अंतिम तारीख 30 जून निर्धारित है, लेकिन इतने कम समय में आरटीए की सीटें नहीं भर सकेंगी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।